हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। यह टॉपिक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका अध्ययन करते हैं। टॉपिक का नाम है एलम्स, जिसे हम लोग हिंदी में फिट कौरिया कहते हैं। आइए, एलम्स का जो पहला पॉइंट है, एलम जो है एक प्रकार का डबल साल्ट है, एक प्रकार का डबल साल्ट है, यानी द्विक लवण है। दूसरा पॉइंट, इसका जो इक्वी मोलर समान मात्रा, इक्वी मोलर ऑफ N2SO4 एंड N-2 SO4 का थ्राइज विथ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, यानी समान मात्रा में M2SO4 M2SO4 का होल थ्राइज और क्रिस्टलन 24H2O मॉलिक्यूल्स जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, इसी को हम लोग एलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलम्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इसका जो फार्मूला है हम लोग पढ़ भी लिए हैं, फिर एक बार देखते हैं फार्मूला। N2SO4 इंटू N-2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये फार्मूला, इसका जो मॉडिफाइड फार्मूला होता है, देख लीजिए, N जो है 2 टाइम्स है, M-2 टू टाइम्स है, सल्फेट जो है 1 और 3 4 टाइम्स है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है 24 टाइम्स है। इसमें जो कॉमन है वो 2 है, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो M-2 और SO4 2 और H2O जो है 12, यानी जो मॉडिफाइड फार्मूला है M-SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O, ये है फार्मूला। तो ये फार्मूला और मॉडिफाइड फार्मूला, तो दोनों फार्मूले हम लोग जानेंगे, ध्यान रखेंगे। इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भी जो फार्म है एलम का है, और ये भी फार्म जो है एलम का है, देखते हैं एम और एम डेस क्या है। वो है एन मोनो बैलेंट मेटलाइंस है, मेटलाइंस है, यानी एक संयोजी धार आयन। क्या क्या आता है इसमें? सोडियम पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, सिल्वर आयन और अमोनियम आयन ETC, अमोनियम आयन ETC, ये आता है। एम गैस
इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई वैलेंट, ट्राई वैलेंट मेटल आयन, ट्राई वैलेंट मेटल आयन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिक संयोजी धातु आयन, त्रिक संयोजी धातु आयन। इसमें एल्युमिनियम आयन आता है, वैनेडियम आयन आता है, क्रोमियम आयन आता है, कोबाल्ट आयन आता है, गैलेनियम आयन आता है, ईटीसी। ये है ट्राइवेलेंट मेटल आयन और ये मोनोवेलेंट मेटल और ये फॉर्मूला। तो इस प्रकार हम लोगों ने एलम क्या है, डबल साल्ट है। एलम जो है ये दो कंपाउंड्स हैं, दो साल्ट हैं जो क्रिस्टलाइज होता है 24H2O मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है वो एलम कहलाता है। थर्ड इसका जो है फार्मूला है, इस टाइप का भी फार्मूला होता है और इस टाइप का भी फार्मूला होता है। और एम क्या है और एम डैश क्या है हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट, जितने भी क्षारीय धातुएं होते हैं, क्षारीय धातुएं इसे हम एल्कली मेटल कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीलियम, जिसमें से, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जिसमें से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीलियम डबल साल्ट बनाते हैं, यानी एलम बनाते हैं। जबकि एक मात्र क्षारीय धातु एल्कली मेटल है जो एलम नहीं बनाता, यानी यह केवल सिंगल साल्ट बनाता है, डबल साल्ट नहीं बनाता। क्योंकि लिथियम आयन जो है अन्य क्षारी धातुओं के जो आयन्स हैं, इसकी साइज बहुत ही, इसकी जो परमाणु आकार है या एटॉमिक साइज जो है बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण लिथियम अपने ही समूह में अन्य क्षारी धातुओं के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर और सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके कारण स्मॉलेस्ट साइज एटॉमिक, स्मॉलेस्ट साइज और स्मॉलेस्ट साइज के कारण इसकी जो ध्रुवण क्षमता होती है हाई राइजिंग जिंक पावर, यानी अधिक ध्रुवण क्षमता, यानी अधिक ध्रुवण क्षमता के कारण और स्मॉलेस्ट साइज के कारण जो है लिथियम आयन जो है एलम नहीं बनाता, बाकी अन्य क्षारीय धातुएं जो है एलम बनाती हैं।
इसका अगला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, नेमिंग नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेमिंग नामकरण। यानी एलम्स का जो नामकरण है टू टाइप से होता है। पहला जो है एलम्स कंटेन कंटेन एल्यूमिनियम आयन, क्या कंटेन कर रहा है, एल्यूमिनियम आयन। सो दीज एलम्स, जितने भी एलम्स हैं, एलम्स कॉल्ड बाय मोनो वैलेंट मेटल आयन। इसका मतलब क्या हुआ, जिस एलम में एल्युमिनियम 3+ आयन उपस्थित है, उसका नामकरण एक संयोजी धातु आयन द्वारा होता है। बात क्लियर हो गई कि जिस एलम में एल्युमिनियम 3+ आयन उपस्थित है उसका नामकरण एक संयोजी धातु आयन के द्वारा होता है, धातु आयन के द्वारा होता है। जैसे K2SO4, यहां से देखिए हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, Al2SO4 का होल प्राइस इंटू 24H2। ये जो एलम है, इस एलम में जो है एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो नामकरण होगा वो मोनो वैलेंट मेटल के कारण होगा। तो मोनो वैलेंट जो है के है, क्या आता है, पोटेशियम आयन आता है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम से पोटास एलम, किस नाम से जानेंगे इसको, पोटास एलम। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस Al2SO4 का, इस तरह से होगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। एक एलम का उदाहरण ये भी है। यहाँ भी जो एलम है इसमें एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है, एल्युमिनियम आयन इसमें क्या है, प्रेजेंट है, इसके कारण इसका जो नामकरण होगा वो इस मोनोवैलेंट आयन के कारण होगा। इस मोनोवैलेंट का जो नाम है उसे हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम आयन, इसलिए इस एलम का नाम है अमोनियम एलम, अमोनियम एलम, क्या नाम है इसका, अमोनियम एलम। थर्ड तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, एक और Na2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। इस एलम में भी एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो नामकरण होगा वो मोनोवैलेंट मेटल आयन के कारण होगा, जिसे हम क्या करते हैं, सोडियम आयन। इसलिए इसका जो नाम है, इस एलम का नाम जो है सोडियम एलम। कौन सा एलम, सोडियम एलम कहते हैं। इस प्रकार जो पांचवा पॉइंट है वो है नामकरण का, जिसमें दो केस आते हैं एलम्स का जो हम नामकरण करते हैं। वह एलम, पहला जो केस है वह एलम जिसमें एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट होते हैं उसका जो नामकरण है वो
मोनोवैलेंट आयन के कारण करते हैं, मोनोवैलेंट आयन के कारण करते हैं। पहला उदाहरण, इस एलम में एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है, इसलिए मोनोवैलेंट आयन जो है पोटेशियम आयन है, इसलिए इस एलम का नाम है पोटास एलम। दूसरा उदाहरण ये है, इस एलम में भी Al2 यानी Al3+ आयन प्रेजेंट है, उपस्थित है, इसलिए इसका नामकरण मोनोवैलेंट अमोनियम आयन के कारण होगा, जिसका नाम है अमोनियम एलम। तीसरा उदाहरण जो है ये है, इसमें भी एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है, इसे इसका जो नामकरण होगा मोनोवैलेंट के कारण होगा। मोनोवैलेंट क्या है? सोडियम आयन है, इसलिए इस एलम का जो नाम है सोडियम एलम है। इस प्रकार हम लोगों ने केस वन में नामकरण को देख लिए हैं। अब चलते हैं केस टू की तरफ। इसके जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं बहुत ही आसान है, और कभी कभी ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाती हैं, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। केस टू यानी बी पॉइंट, पांचवा का जो बी पॉइंट है, एलम्स डू नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन एलम डू नॉट कंटेन एल्युमिनियम आयन, सो दीज एलम्स कॉल्ड बाई ट्राई वैलेंट मेटल आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एलम में एल्युमिनियम आयन उपस्थित नहीं है उसका नामकरण, उसका जो नामकरण है किसे करते हैं? त्रिक संयोजी धातु आयन के द्वारा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें एल्युमिनियम, जिस एलम में एल्युमिनियम आयन उपस्थित नहीं है उसका नामकरण त्रिक संयोजित धातु आयन के आधार पर करते हैं, और जिसमें जिस एलम में एल्युमिनियम आयन उपस्थित होता है उसका नामकरण एक संयोजित धातु आयन के द्वारा करते हैं। तो ये है केस बी। इसका उदाहरण NH4 का होल ट्वाइस, SO4 Cr2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये उदाहरण है। इसमें जो ट्राई वैलेंट है क्रोमियम आयन है, एल्युमिनियम आयन है नहीं, इसका नामकरण जो है मोनोवैलेंट के आधार पर नहीं करेंगे, ट्राई वैलेंट के आधार पर करेंगे। तो इसमें जो है क्रोमियम आयन प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोम एलम। क्या कहते हैं इसे हम लोग? क्रोम एलम कहते हैं। तो ये उदाहरण जो है क्रोम एलम का है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, Na2 SO4 इंटू Fe2SO4 का होल थ्राई इंटू 24H2O, ये भी देख लेते हैं। इस एलम में भी एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका नामकरण जो है मोनोवैलेंट के आधार पर नहीं करेंगे, ट्राई वैलेंट के आधार पर करेंगे। तो ट्राई वैलेंट जो है क्या है इसमें? 3+ Fe3+ फेरिक आयन। तो इसलिए इस एलम का जो नाम है वो है फेरिक एलम। क्या नाम है इसका? फेरिक एलम। तो हम लोगों ने क्या देखा?
कि जो एलम का नामकरण है वो दो प्रकार से होता है। जिस एलम में एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट होता है उसका नामकरण मोनोवेलेंट एक संयोजी आयन के द्वारा करते हैं, और जिस एलम में एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है, उसका नामकरण जो है त्रिक संयोजी आयन के द्वारा करते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है वो है 6 पॉइंट। डबल सल्फेट, डबल सल्फेट ऑफ डाइवेलेंट, ध्यान रखिएगा, एंड ट्राइवेलेंट। कौन सा वेलेंट? ट्राइवेलेंट, मेटलाइन क्रिस्टलाइज्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइज विथ 24 वाटर मालिक्यूल्स। याद रखिएगा डाइवेलेंट है, एलम में क्या है मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट है, यहाँ डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट है, यानी डबल सल्फेट जो है डाइवेलेंट के और ट्राइवेलेंट के क्रिस्टलाइज हो रहे हैं 24 H2O मालिक्यूल्स के साथ। That is called, कौन सा एलम? सूडो एलम्स। कौन सा एलम कहलाता है? सूडो एलम्स। हिंदी में क्या होते हैं? छद्म, छद्म फिटकरी। कौन सी फिटकरी? छद्म फिटकरी कहलाती है। क्या क्या उपस्थित होता है सल्फेट में? डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट मेटल आयन का, और इसे हम क्या बोलते हैं? सूडो एलिमेंट्स, हिंदी में जो है छद्म फिटकरी। देखते हैं इसका उदाहरण, CuSO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24 H2O, ये उदाहरण। तो ये एलम का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, ये है सूडो एलम का उदाहरण, क्योंकि इसमें डाइवेलेंट प्रेजेंट है। तो इसका जो नाम है कॉपर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एलम, कॉपर एल्युमिनियम एलो। एक और उदाहरण देख लेते हैं, MnSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइज 24 H2O, ये उदाहरण है। तो इसे बोलते हैं मैग्नीज, Mn को मैग्नीज, फिर मैग्नीज आयरन, क्या नाम होगा इसका? आयरन एलम, मैग्नीज आयरन एलम। इस प्रकार के एलम को छद्म एलम कहते हैं, जिसमें डाइवेलेंट मेटल आयन प्रेजेंट हो उसे हम सूडो एलम कहते हैं, और जिसमें मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलम्स कहते हैं। इस प्रकार एलम और सूडो एलम में हम लोग अंतर देख लिए। आगे चलते हैं, इसका जो अगला पॉइंट है कि जो एलम्स होते हैं
बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमार्फस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकृतिक कहते हैं। ये क्या होता है कि वे भिन्न 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 यौगिक, वे भिन्न भिन्न यौगिक जिसकी क्रिस्टली संरचना क्या होती है, समान होती है। क्रिस्टली संरचना जो होती है समान होती है, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है समान होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमार्फस समाकृतिक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, A2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज × 24H2, NH4 का होल ट्वाइज SO4 × Cr2SO4 का होल थ्राइज × 24H2O। ये है, इसको देखिए और इसको देखिए, इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है मोनोवेलेंट के साथ एक है और एक ट्राईवेलेंट के साथ कंपाउंड है। तो इनका जो क्रिस्टली जो संरचना है, संरचना जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो समान होता है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमार्फस कहलाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है, जो है क्या कहलाते हैं, आइसोमार्फस कहलाते हैं। और इस फिनोमेना को, यानी इस घटना को या इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम क्या लोग क्या बोलते हैं, आइसोमार्फिज्म यानी समाकृतिकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमार्फिज्म समाकृतिकता कहते हैं इसको। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, वो एलम का है नहीं, जैसे एग्जाम में कभी आया हुआ था, जिंक सल्फेट × 7H2O, ये जिंक सल्फेट है जिसे बोलते हैं सोवेत कशिश, और Fe SO4 × 7H2O इसे बोलते हैं हरा कशिश, फेरस सल्फेट, और एक होता है MgSO4 × 7H2O इसको बोलते हैं एप्सम लवण। ये है सोवेत कशिश और ये है हरा कशिश और है एप्सम लवण। ये किसी साल एग्जाम में आया हुआ था, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जो है, ये भी इनकी क्रिस्टलाइन संरचना देखिए एक जैसी है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है एक जैसी है, इसलिए ये भी जो है यौगिक ये दूसरे के क्या है, आइसोमार्फस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है एलम का, यानी जितने भी एलम होते हैं आइसोमार्फस होते हैं एक दूसरे के, और इस प्रकार के भी उदाहरण जो हैं वो आइसोमार्फस कहलाते हैं। इस प्रकार यानी एलम जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमार्फस। आगे देखते हैं, सूडो एलम, जो सूडो एलम होते हैं, जो सूडो एलम होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमार्फस नहीं होते। क्यों नहीं होते, एक उदाहरण देख लीजिए,
K2SO4 into Al2SO4 into 24H2O। ये एलम का फॉर्मूला है, सूडो एलम का, CuSO4 into Al2SO4 का यहाँ होल साइज रहेगा, होल्थराइज इंटू 24H2O। देखिए यहाँ पे डाइवेलेंट है, यहाँ पे मोनोवेलेंट है, इसलिए जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, इसलिए समान इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है, इसलिए एलम और सूडो एलम एक दूसरे के क्या नहीं होते, आइसोमॉर्फस नहीं होते, समाकृतिक नहीं होते। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी कि क्योंकि इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या होती है, समान नहीं होती, इसलिए एक दूसरे के आइसोमॉर्फस नहीं होते, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जो पढ़ते हैं केवल एक एलम के बारे में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पोटास एलम, क्या बोलते हैं पोटास एलम। फार्मूला जो है बार बार पढ़ रहे हैं हम लोग, K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये है फार्मूला। यानी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि जब पोटास एलम को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस तक, 200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं,